देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। पंचायत पोंडर के राकेश प्रधान के द्वारा पंचायत में सरकारी मां मंचा देवी गौशाला में हो रही गोमाता की सेवा, साथ ही ग्राम पंचायत के कुछ गोभक्त कर रहे चारे की व्यवस्था व चारे का दान कर रहे हैं, जिसमें ग्राम प्रधान राकेश द्वारा मजदूरों के साथ मिलकर कटवाया जा रहा चारा व पहुंचाया जा रहा है गौशाला में। बता दें कि रोजाना 4 ट्रॉली चारा राकेश प्रधान जी के द्वारा गोमाता के लिए पहुंचाया जा रहा है व निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि राकेश प्रधान जी अपना अधिक से अधिक समय गोमाता की सेवा में व्यतीत करते हैं, जैसे गोमाता के लिए चारा डालना, गोमाता की चिकित्सा देखना व लगभग 600 गोवंश राकेश प्रधान जी के शरण में सुखद जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गोवर्धन सिंह सौरभ की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? जिंदर बलराम। ये चारा कहाँ के लिए कट के जा रहा है? चारा राकेश प्रधान जी की गौशाला के लिए। गौशाला के लिए जा रहा है, कौन से क्षेत्र में पड़ती है गौशाला? ये नंगला पर। नंगला पर फोंडर पंचायत। फोंडर पंचायत में प्रधान जी कैसा कार्य करा रहे हैं? प्रधान जी बहुत अच्छा कार्य करा रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य करा रहे हैं। समथिंग कितने ट्रॉली चारा यहाँ से जा चुका है? ये 4-5 ट्रॉली चला गया अभी जा रहा है। कितने गौवंशों की यहाँ जो है मात्रा बताई जा रही है? 650-700 तो पर डे डेली इतना ही चढ़ा जाता है। नाम किरण सिंह है और गौशाला के लिए चारा कट के जा रहा है पानी में से भी। कौन सी गौशाला के लिए? वो है माँ मनसा देवी गौशाला, ग्राम पंचायत खोंडर में। ये चारा किसके द्वारा कटवाया जा रहा है? राकेश प्रधान जी के द्वारा कटवाया जा रहा है। अच्छा, कितना चारा समथिंग यहाँ से पहले चला गया? 3 ट्रॉली। 3 ट्रॉली चला गया। गाय माताओं के लिए चारे की व्यवस्था अच्छे से चल रही है? अच्छे से चल रही है। प्रधान जी का बहुत सहयोग है, हरा चारा मिल रहा है। प्रधान जी का बहुत बड़ा सहयोग है।